बहसीयत चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब। मैं अपने फ़राइज़ वकार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा कि मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ़ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ़ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। आपको बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की तकरीबे हल्फ बरदारी जारी थी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यह हल्फ लिया है और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। और ये तकरीबे हल्फ बरदारी गवर्नर हाउस में जारी थी जहां पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने ये उनसे हल्फ लिया है और इस तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थी। जी बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने अपने ओहदे का हल्फ ले लिया है। हल्फ बरदारी की तकरीब जो है थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उनसे हल्फ लिया।